आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर आज से पेट्रोलिंग शुरू होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे भारत का दिखा दम, एलएसी पर तनाव किस तरीके से हो रहा है कम। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, देपसांग में आज से पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी, डेमचौक में एरियल वेरिफिकेशन के बाद पेट्रोलिंग होगी। देपसांग और डेमचौक में लोकल मिलिट्री कमांडर मिलेंगे आज एलएसी पर, भारत चीन के सैनिक मिठाई बांटेंगे। 2020 के बाद दिवाली पर बटेगी मिठाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां दोनों देशों के बीच जो तनाव था, जिस तरीके से 2020 से डेपचांग और टेमचौक में दोनों देशों के बीच में गतिरोध था, उसे आखिरकार सुलझा लिया गया है और आज से दोनों देशों के बीच साझा पेट्रोलिंग की जो है वो शुरुआत होगी। दिवाली के मौके पर भारत चीन सीमा से एक और खुशखबरी आई है, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो गया है, अब डेपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग की बारी है। सूत्रों की माने तो एलएसी पर आज से पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। एलएसी पर डेपसांग और डेमचौक में आज भारत और चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर मिलेंगे और पेट्रोलिंग की रणनीति तय करेंगे। दरअसल डेपसांग इलाके में मंगलवार को पूरा एरियल वेरिफिकेशन का काम हो चुका है, हालांकि डेमचौक में खराब मौसम की वजह से एरियल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। मंगलवार शाम तक दोनों जगहों यानी डेमचौक और डेपसांग से टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटा लिया गया। साथ ही जहां पर गाड़ियां और सैनिकों को पीछे करना था, उस काम को भी पूरा कर लिया गया है। आइए अब आपको बताता हूं कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उसमें क्या कुछ आम सहमति बनी है और कैसे दोनों देशों के बीच समझौते में जो अहम चीजें हैं वो आपको जाननी चाहिए। जहां 21 अक्टूबर 2024 को दोनों ही देशों के बीच ये समझौता तब हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चीनी सेना अतिक्रमण वाले तमाम जगहों से पीछे हटेगी, ये सहमति बनी थी। साथ ही साथ 21 अक्टूबर 2024 को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स कजान समिट में शामिल होने से पहले ये सहमति बनी थी और भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग पर रजामंदी हुई थी कि पहले सेनाएं पीछे हटेंगी और उसके बाद संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग होगी। एलएसी पर 2020 की स्थिति को बहाल किया जाएगा, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि चीनी सेना अतिक्रमण वाली जगहों से पीछे हटेगी और ये 21 अक्टूबर को तय हुआ था। और ऐसे में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसकी अब शुरुआत हो चुकी है और जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये तस्वीरें हैं जहां दोनों देशों के बीच जो साझा समझौता है वो हो चुका है। एलएसी पर 2020 की स्थिति को जो है वो फिर से बहाल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चीनी सेना अतिक्रमण वाले तमाम पॉइंट से पीछे हटेगी और साथ ही साथ अहम है, 2020 के बाद पहली बार भारत और चीन के सैनिक दीपावली के मौके पर मिठाइयों का आदान प्रदान जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब चीन की सेना कैसे पीछे हटी है ये भी जरा समझिए। जहां पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की संख्या पर बातचीत होगी, आज से पेट्रोलिंग जो है उसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ डेपसांग में आज से पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी क्योंकि यहां पर जो एरियल सर्वे है वो पूरा हो चुका है। और आपको बताऊं कि डेपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जो दोनों देश की सेनाएं हैं वो गश्त करती हुई नजर आएंगी। डेमचौक में एरियल वेरिफिकेशन के बाद शुक्रवार को पेट्रोलिंग होगी, ये सामने खबर आई है। गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर अभी ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी, इस पर अभी भी बात जो है वो बाकी है। डेपसांग और डेमचौक में लोकल मिलिट्री कमांडर्स जो है वो मिलेंगे और दोनों के बीच बातचीत होगी। साथ ही साथ पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की संख्या पर भी बातचीत होनी है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ, उसमें समझौते में सबसे पहले दोनों देशों को एलएसी पर डेपचांग और डेमचौक में बनाए गए टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटाना था। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के
हटाए जाने के बाद एरियल सर्वे जो है वो किया जाना था और उसके बाद साझा पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। पेट्रोलिंग में दोनों तरफ से कितने कितने सैनिक रहेंगे इसको लेकर आज चर्चा होगी। और फिर आपको बता दूं कि तमाम अहम पॉइंट्स जो हैं इन डेपचांग और डेमसोक की दोनों ही लोकेशंस पर उनको पेट्रोलिंग दोनों तरफ से जो है की जाएगी और साथ ही साथ पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की संख्या पर भी बातचीत होनी है। तो जिस तरीके से स्थितियां हैं ऐसे में ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि 2020 की यथास्थिति को बहाल जो है वो किया गया है और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच संघर्ष बीते 4 सालों से रहा, दोनों देशों के ही जो राष्ट्राध्यक्ष है जहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच बातचीत जो है वो नहीं हुई थी और बार बार भारत की तरफ से दो टूक ये स्पष्ट रुख अख्तियार किया गया था कि जब तक आम सहमति नहीं बनेगी, चीन की सेना पीछे नहीं हटेगी, तब तक किसी भी तरीके से बातचीत का सवाल ही खड़ा नहीं उठता। और इसीलिए ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ आज से पेट्रोलिंग की जो है वो शुरुआत होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सभी से हम बातचीत करेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच ये जो आम सहमति बनी है ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है और दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो कैसे अब आम पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएंगी। अनुराग प्रताप सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ सैफ खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए और मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरुआत में सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर सर आपसे ही करता हूँ कि आज से पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या स्थिति जो है वो बेहद ही शांतिपूर्ण नजर आएगी जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है या फिर चीन फिर कुछ हरकत कर सकता है, हिमाकत कर सकता है? चंदन, सबसे पहले दीपावली के उपलक्ष्य में आपको, आपके समस्त ऑडियंस दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे को पैनलिस्ट साहब को भी शुभकामनाएं। और जहां तक आपकी सवाल है, देखिए इस सवाल की उत्तर में दो चार लाइन थोड़ा प्रीएम्बल देना नहायत ही आवश्यक है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पिछले 4 साल से ज़्यादा दो देश जो न्यूक्लियर पावर हैं, कॉन्टिग्यूस बॉर्डर है, एक लड़ाई हो चुकी है और कई बार काफ़ी मुठभेड़ हो चुके 2013 से लेके अभी तक। तो ये जब बात नहीं कर रहे थे, इन दोनों का बैठ के बात करना ये एक बहुत अहम हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और ये माइलस्टोन ऐसा है, ये नहीं कि हिंदुस्तान को जोर जबरदस्ती कोई प्रेशर डाला है किया है, ये एक विन विन सिचुएशन मेरे विचार और स्टडी के मुताबिक। हिंदुस्तान को उतना जरूरत है बल्कि चाइना को जरूरत हिंदुस्तान का ज्यादा है, बल्कि उनका जो मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट को रिजुविनेट करना चाहते हैं, ग्लोबल पावर की स्टेटस अचीव करना चाहते हैं 2049 तक, उसके लिए उनका एक स्टडी, एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट बनाया है जिसको व्हाइट पेपर बनाने के लिए वो आदेश दिया था, हुआ कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ, ये 2022 की बात है। उस समय उन्होंने बताया था कि आपका अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक ग्लोबल पावर बनना है तो हिंदुस्तान के बिना आप बन नहीं सकते हो। तो अभी ये जो मसला है, ये दोनों लीडर बैठ के बात करना ये बहुत एक हिस्टोरिक, आज के दिन में ये 21वां, आप 21st सेंचुरी में कोल्ड वॉर 2.0 की स्थिति में जब पूरा जियोपॉलिटिकल चर्न जगह जगह हो रहा है, दो लड़ाई लगा, दो नहीं आज के दिन में 56 लड़ाई है पूरा विश्व में, दो तो हम डिस्कस कर रहे हैं आप और मैं, 56 जगह लड़ाई हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और 96 जगह में आउट ऑफ द कंट्री लड़ाई हो रहे हैं पूरा विश्व के अंदर। सो ये जो मुख्य जो लड़ाई की केंद्र बिंदु है यूक्रेन या मिडिल ईस्ट, आप इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में या हमास के बीच में, हिजबुल्ला के बीच में, इसको बैकग्राउंड पे देखें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है और नरेंद्र मोदी सरकार को चाहे कितने भी आप तारीफ करें फिर भी कम, नंबर एक। नंबर ठीक है, मैं सुधाकर सर आपके पास आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, हम चर्चा पर लौटेंगे। एक बड़ी खबर जरा मैं दर्शकों को बता दूं जहां सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिवाली हर साल मनाते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे, कच्छ में जवानों के साथ प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे। बढ़िया से वो सीधा कच्छ रवाना होंगे जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई भी बड़ा त्यौहार हो, चाहे वो होली हो या दीपावली हो, प्रधानमंत्री विशेष तौर पर सेना के जवानों के बीच होते हैं, और ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री ने कच्छ को चुना है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, हम देख रहे हैं कि हर साल जो दिवाली हर बार सीमा पर जाकर के सेना के जवानों के बीच में मनाते हैं, और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली सैनिकों के बीच में मनाने वाले हैं। और अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और वहां से वो सीधे कच्छ रवाना होंगे, जहाँ पर वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। और ये उनका पहला मौका नहीं है, हमने लगभग हर दिवाली पे देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच में जाकर के दिवाली मनाते हैं, उनका हौसला अफजाई, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी देते हैं देश की जनता को कि जो सैनिक उनकी उनकी और उनके देश की हिफाजत करता है, उसके साथ वो हर समय हर मौके पर खड़े हुए। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये इनिशिएटिव लेते हैं कि चाहे वो दिवाली हो या फिर और कोई बड़ा त्यौहार, जो विशेष तौर पर होली भी, हम एक ऐसा इवेंट देखते हैं जब प्रधानमंत्री देश के जवानों के बीच जो है वो मौजूद रहते हैं, और ये अपने आप में ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान परिवार न होने के तमाम आरोप लगे, वो इस तरीके से जवानों के बीच पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है और जवान भी उनके परिवार के ही सदस्य हैं, और इसीलिए उनके साथ वो दिवाली मनाते हैं। संजय, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अरुणाचल बॉर्डर पर जा रहे हैं, जहां पर कि चीन बॉर्डर पर भारत के सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि उनका परिवार पूरे देश की जनता है, देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उन्होंने बड़ा बड़ा भारी जवाब दिया था जब कांग्रेस के नेताओं ने पूछा था कि आपका परिवार कहाँ है, आपका परिवार नहीं है, और आप परिवार के बारे में क्या जानते हो, तो उन्होंने इतना बड़ा जवाब दिया था। उसके बाद से राजनीतिक तौर पर उन पे ये आरोप लगना बंद हो गया था कि आपका परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यही बताते हैं कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, पूरे 140 करोड़ देश की जनता उनका परिवार है, और देश के सैनिकों के साथ हर बार त्योहार मनाना, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार मनाना एक बड़ा संदेश भी देता है कि सेना के जवान अकेले नहीं है, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देश की जनता साथ खड़ी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कच्छ पहुंचेंगे और वहां से भी तमाम तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन संजय, एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पर निगाहें होंगी, चूंकि कच्छ से प्रधानमंत्री जब जवानों से मिलेंगे और उनको संबोधित करेंगे, तो इस दौरान निशाने पर पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री के रहेगा, क्योंकि कच्छ से सीमा पाकिस्तान की लगती है, और हमने हर बार देखा है एक दिवाली प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान से सटी सीमा पर मनाते हैं, अगली दिवाली प्रधानमंत्री चीन से सटी सीमा पर मनाते हैं, यानी जिन दो पड़ोसियों से सबसे ज्यादा हमें खतरा हो सकता है, उनको हर बार दिवाली पर उनके सीमा के बेहद पास पहुंचकर प्रधानमंत्री दो टूक संदेश भी देने का काम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई कदम उठाते, जब भी कोई काम करते हैं वो, तो एक बड़ा संदेश जरूर होता है, उसमें छुपा हुआ होता है, और वो संदेश कभी जैसा भी हमने देखा था केवड़िया से उन्होंने जो संदेश दिया, तो कई सारे राजनीतिक दल विपक्षी दलों को संदेश दिया, और अब जब दिवाली मनाने वो कच्छ बॉर्डर पर जाएंगे, सैनिकों के बीच में पहुंचेंगे, तो वहां से वो बड़ा संदेश पाकिस्तान जैसे देश को भी देगा जिसकी बॉर्डर लगती है भारत के साथ, और लगातार पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा देता रहा है, तो भारत से लगातार सख्त रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संदेश भी पाकिस्तान को दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के खिलाफ किए, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत की टेबल पर आए, बातचीत की मेज पर आए, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करे, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है। तो बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश प्रधानमंत्री इस बार भी देंगे जब कच्छ में सैनिकों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और निगाहें सबकी इसी बात पर होगी कि प्रधानमंत्री जब कच्छ पहुंचेंगे तो आखिर क्या कुछ वो कहते हैं। और संजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये कच्छ का दौरा जो है वो प्लान किया गया है, जिसमें आज सुबह प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सलामी ली, परेड की, उसके बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए जिक्र इस बात का किया कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम जो रियासत हैं अलग अलग, जो कि एक असंभव सा कार्य नजर आ रहा था, उनको एकजुट करके वर्तमान भारत का स्वरूप दिया।
बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश कभी भुला नहीं सकता। हालांकि पिछली कुछ सरकारें थी जिन्होंने सरदार पटेल को लगभग गुलासा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उचित सम्मान भी दिया है। साथ ही साथ उनके हर बार उनकी जब भी जयंती आती है 31 अक्टूबर, उसको एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, बड़े बड़े आयोजन की सरकारी आयोजन होते हैं। और इस बार भी 31 अक्टूबर को दिवाली की वजह से इस बार बड़े आयोजन नहीं हुए, लेकिन 31 के पहले एक दिन पहले एकता दिवस के सारे आयोजन पूरे कर लिए गए। और सरदार पटेल को लगभग हर जगह पर हर सरकारी अमले ने याद भी किया। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया कि सरदार पटेल के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड समय में भारत को एकजुट रखने के लिए 537 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय करके एक तरह से आप कह सकते हैं कीर्तिमान स्थापित किया। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में उन्होंने बांधा और मजबूती के साथ खड़े रहे। सरदार पटेल कभी किसी से दबे नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। तो ये कई सारी ऐसी विशेषताएं सरदार पटेल की जो उनको अपने समवर्ती नेताओं से काफी महान बनाती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा शुरू की है, चाहे वो रन फॉर यूनिटी की हो संजय, या फिर गुजरात के केवड़िया में रिपब्लिक डे जैसा एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है, और अंतर ये रहता है कि रिपब्लिक डे में जहाँ देश की सेनाएं अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देती है, तो वहीं जो कच्छ के केवड़िया, माफ कीजिएगा, जो केवड़िया में परेड आयोजित की जाती है, इसमें अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ जो पुलिस बल है उनकी जो है वो मौजूदगी नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दूँ कि दिवाली मनाने के लिए अब से महज कुछ देर में कच्छ पहुंचेंगे, जहां सेना के जवानों के बीच वो दिवाली मनाएंगे। आइए अब एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं और बात कर रहे हैं हम चीन और भारत के संबंधों की, और आज से पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी एलएसी पर, और ऐसे में क्या चीन पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और सैफ खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैफ जी, सवाल ये है कि समझौता तो हो गया चीन से, लेकिन क्या वाकई चीन इस भरोसे लायक है कि जो वो कह रहा है वो वास्तविक तौर पर उसी तरीके से वो कर लेगा? सर आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आपके पास पहुंच रही होगी जी, आ रही है अब जी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और चैनल वासियों को और हमारे पैनलिस्टों को सबको जो है दीपावली की अपनी तौर से, यानी मेरे अपने पर्सनल से और अपनी पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। आज एक बहुत अच्छा दिन है दीपावली का, जिसमें आज ये कोशिशें नजर आ रही हैं कि जो 1959 में क्लेम लाइन जो कोशिश हुई थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश। मगर आपने जो सवाल पूछा अभी कि क्या चाइना पे भरोसा करना चाहिए या नहीं जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि चाइना इसको हमेशा ब्रीच, यानी इस एग्रीमेंट को हमेशा तोड़ता आया है। आपको याद होगा कि हम जो है 10 मई 2020 को हमारे 4 सैनिक घायल हुए थे, 20 सैनिक हमारे मारे गए थे, 76 इंजर्ड हुए थे मोस्टली जो है, और 10 के करीब जो है कैप्चर्ड कर दिए गए थे। तो ये सब चीजें जो हमें सुनने में और देखने को जो है हमें मिली, चाइना हमेशा से एग्रीमेंट्स को जो है वो ब्रीच करता आया है। भले जो पहला एग्रीमेंट हमारी तरफ से अगर हुआ हो, जो नेहरू जी ने जो एक एग्रीमेंट की वो की थी और पहल की थी, और हमने उत्तराखंड में भी जाके जो पहले फतेह की थी, और एग्रीमेंट से बनने से पहले पहले जो अपने सोल्जर्स ने, हमारे देश के नेशनल जो हीरोज हैं उन्होंने भी जो हमारी बॉर्डर की वो की थी और बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा की गारंटी दी थी, वो आज तक जो है वो है। मगर ब्रीच, अगर हम ब्रीच की बात करते हैं, यानी एग्रीमेंट ब्रीच, तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो है भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि 20 किलोमीटर से ज्यादा तो अंदर वो आ चुके हैं चाहे, और हमने जगह जगह के ऊपर देखा, क्योंकि चाइना का बॉर्डर लगातार देश के साथ जो है वो जुड़ा हुआ ही है, और वो लगातार जो है ब्रीच की हमने जो है लगातार ये देखा कि वो कभी अंडरग्राउंड टनल्स की बात करें, कभी मॉनिटरिंग यूनिट्स की बात करें, लगातार वो बनाते रहे, और हमारे हमारे देश के सैनिकों को जो है नुकसान अभी 2000, क्योंकि लास्ट हमारी जो पेट्रोलिंग हुई थी वो जनवरी में हुई थी 2020 में, जब से हमने ये देखा कि हमारे हमारे जवानों को घायल किया गया है या हमारे जवानों को जो मार दिया गया है, उसके बाद हम ये लगातार टेंशन जो है हमारे बाद इसके इस सिचुएशन के बाद जो है कभी भी पेट्रोलिंग नहीं हुई।
तो आज जो ये कोशिश जो हमें नजर आ रही है इस एग्रीमेंट के ऊपर, जो ये एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है वापस, ये पेट्रोलिंग भी मॉनिटर्ड होगी, यानी इंडिया और चाइना जो है वो आपस की पेट्रोलिंग को मॉनिटर करेंगे और परमिशन देंगे कि वो जो है अंदर आके चेक कर सके और हम उनके यहाँ जाके जो है चेक कर सके, यानी मॉनिटर्ड पेट्रोलिंग होगी। अब वो कितना चाइना जो है उस मॉनिटर्ड पेट्रोलिंग को जो है उसको क्या बोलते हैं उस पर भरोसा रख के जो है ब्रीच नहीं करेगा, यानी धोखा नहीं देगा वापस, जो है ये देखने की बारी है। और हम एज इंडियन नेशनल कांग्रेस या देश के अगर जवानों की बात करें, हम हमेशा से जो है कोशिश करते यही आए हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो जिनके 90,000 सोल्जर्स जो है घुटनों के बल जो आ गए थे, या फिर जो है 5,000 टैंक से ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, जिस देश ने हमारे देश को जो है कोशिशें की तोड़ने की, उसको जो है हम दो हिस्सों में भी बांट चुके हैं। तो ये एक एग्जांपल पाकिस्तान को हम पहले ही दे चुके हैं और चाइना के साथ भी हम अभी बिल्कुल ये पॉइंट है, देश बहुत मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। ठीक है, बात रही प्रताप सिंह की, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। अनुरोध जी, सवाल ये है कि आखिरकार समझौता तो हुआ लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई भी ऐसे लोकेशंस हैं जिनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच लगातार जारी है, तो क्या इसे आगे की बातचीत के दिशा में एक बड़ा कदम जो है इस समझौते को माना जाए, और उन तमाम पॉइंट्स पर जहां पर अभी भी टकराव है वहां की बातचीत शुरू करने की पहल क्या भारत करेगी या फिर वो पहल भी चीन करे, इसका इंतजार भारत करेगा? चंदन जी नमस्कार, सभी मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों के, इंडिया न्यूज के दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं, और सरदार पटेल जी की जयंती आज है तो उसकी भी हार्दिक शुभकामना। सबसे पहली बात, जो ये समझौता हुआ है ये भारत की ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ है पूरे विश्व ने देखा है, और यहाँ की जो और जो भी राष्ट्रहित में होगा है वही मोदी जी उसका फैसला लेंगे। मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जनरल साहब ने अभी बहुत अच्छा सा इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन अभी जो कांग्रेस के लीडर हैं जो बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को खोल के रखने की आज जरूरत है। बात ये 1962 का जब युद्ध हुआ तो पूरा तकसाई चीन उन्होंने उठा के दे दिया नेहरू जी ने, किसको? चाइना को दे दिया। उसके बाद में जो ये बात आती, ये घुस गए वो घुस गए, देखिए साहब कोई घुसा नहीं था, बफर जोन था। पहले क्या होता था, मैं बहुत आम दर्शकों को समझ में आएगा, पहले ये होता था गांव में खेत पड़ा रहता था, उसपे बुआई नहीं होती थी ना उसपे मड़बंदी होती थी, तो पहले क्या होता था कि लोग उसमें घुसे चले आते थे, जब दूसरा पक्ष रिटेलिएट करता था तो बड़ा बुरा लगता था, साहब आप तो रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं। तो चाइना के साथ यही हुआ था, जो एलएसी है, एलएसी के बीच में बफर जोन बना, बफर जोन के अगल बगल चाइना डेवलपमेंट करता चला जा रहा था और कभी भी बफर जोन के अंदर आ जाता था, चला जाता था, उसके बाद में यहाँ की सरकारें चुप बैठी रहती थी। जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा साहब जब आपका एलएसी जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे पेट्रोलिंग है वहीं तक आप करिए, अगर आप अंदर आते हैं बफर जोन के एरिया में आप आते हैं जहां के ना भारत के लोग जाते हैं ना चाइना के सैनिक आते हैं, तो अगर आएंगे तो हम उसी ढंग से रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद में चाइना का डेवलपमेंट, चाइना बॉर्डर पे डेवलपमेंट भारत का होने लगा, चाहे उसमें रोड्स बनने लगे, टनल बनने लग गए, हवाई पट्टियां बनने लग गई, 19,000 फुट पे रोड जब बननी शुरू हुई तो चाइना को बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि 2008 में एके एंटोनी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि चाइना के बॉर्डर्स पे अगर भारत डेवलपमेंट करेगा तो चाइना के सैनिक इसका लाभ उठा लेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, चाइना में जाके गुपचुप समझौता कर लेते थे, अरे चुप रहिए हम तो ऐसे दिखाने के लिए केवल एक बजट थोड़ा एलोकेट कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट थोड़ा करेंगे, और आप बफर जोन में घूमते रहिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जब सरकार 2014 में बदली तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया कि साहब आपका वो एरिया, तब चाइना को बुरा लगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 20 सैनिक मारे गए, 20 सैनिक मारे नहीं गए, 20 सैनिक शहीद हुए, उन्होंने शहादत वहां पे दिया। और चाइना के ये अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े जनरल उसमें छपा कि 45 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए, और चाइना रो पीट रहा है, अपने अपने मीडिया में चिल्ला रहा है या बाहर की मीडिया में निकल रहा है कि जबरदस्ती भारत हमारे यहाँ घुस आया। तो भारत के कुछ लोग हैं जो चाइना की अपना जाते हैं वहां समझौता करके आते हैं और उसके बाद में यहाँ पे रो पीट चिल्लाने लगते हैं। तो ये चीज ये समझना चाहिए बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल है, एक बफर जोन था, बफर जोन में चाइना हमेशा घुसता आता था, लेकिन ये लोग रिटेलिएट, पूर्ववर्ती सरकार रिटेलिएट नहीं करती थी, एक बात। दूसरी चीज है कि चाइना के बॉर्डर एरिया पे डेवलपमेंट नहीं होता था। डेवलपमेंट जब 1962 का वार हुआ तो वार होने के बाद जनरल साहब को ज्यादा पता होगा हम लोगों से, आर एन काओ साहब थे, तो आर एन काओ साहब ने कहा कि भाई जब चाइना वार किया तो वहां के जितने नागरिक तो भाग गए, तो उसके लिए किसी
किसी ऐसे यूनिट का डेवलप करना चाहिए, तो उस टाइम पर एक डेवलप हुआ एसएसबी, स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो, जिसमें आर्मी के भी लोग होते थे और इंटेलिजेंस के भी लोग होते थे। उसके बाद में स्थितियां ये हुई कि बाद में उसके भी काम को हटा दिया गया, नहीं नहीं साहब ये काम अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट लोगों को करते थे और डेवलपमेंट का छोटा मोटा काम भी करते थे। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने साफ किया कि जितना बॉर्डर एरिया है, चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो, लगा हुआ हो, हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो रोड का डेवलपमेंट हो, चाहे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, चाहे सिटीजंस के लिए जो डेवलपमेंट जो आवश्यक, वो चाइना को दर्द होने लगा क्योंकि चाइना तो पहले अपने एरिया में करता रहा, और बफर जोन में आने नहीं देंगे। दिक्कत यहां बफर जोन की थी, एलएसी की नहीं थी, यहां बफर जोन की दिक्कत। तो वही जो समझौता हुआ है कि साहब बफर जोन में आप आके पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, जिसकी जो पेट्रोलिंग एरिया वो पेट्रोलिंग पे पेट्रोलिंग करेगा, जो पहले की स्थिति थी वही उसी ढंग से पेट्रोलिंग एरिया, क्योंकि बफर जोन तो हमेशा घुसते रहे हैं, कांग्रेस के पीरियड में बोलते तक नहीं थे ये लोग, डेवलपमेंट करने के नाम पे चुप हो जाते थे कि रोड टाइप कर बना देंगे, चाइना घुसा, अरे सड़क हमारी रहेगी, चाइना हमारी सड़क में कैसे घुसाएगा, जो कि एलएसी के बाद पड़ती है। बहुत तो सारे सवाल आपने जो है वो पूर्व की सरकारों पर अनुरोध जी खड़े किए। नहीं नहीं मैं बस चंदन जी 10 सेकंड जी। तो जब ऐसी चीजें हुई तो चाइना को दर्द होगा ही, ये तो सिंपल सी बात है। अगर गांव में जिसे कहते हैं देहाती भाषा में परती जमीन पड़ी हुई है, एक पक्ष आता रोज गड्ढे खोदता रहता चलता है, दूसरा पक्ष नहीं बोलता है तो चलता है कि बड़ा शांति का माहौल है। जैसे दूसरा पक्ष मजबूत आ जाता है, रिटेलिएट कर देता, आज चाइना की स्थिति कमजोर है। बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान चाइना को वो लेवरेज दी कि चाइना हम पर डोमिनेट करता हुआ नजर आता था, लेकिन अब जो नीति बदली है इसमें आज चाइना को झुककर सामने से आना पड़ा कि हमसे समझौता जो है वो कर लीजिए। जी सैफ जी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं सैफ आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर लगातार बने हुए। सुधाकर सर, सवाल अब यही है जो कि मैंने अनिरुद्ध जी से पूछा, लेकिन बड़े ही चालाकी से उन्होंने राजनीति की तरफ इसे जोड़ दिया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। सवाल मेरा ये, मैं आता हूं सैफ जी आपका आपके पास आता हूं, आपकी आवाज एक तो मुझ पर नहीं, मुझ तक नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास आता हूं। मैं पहले अब जरा सुधाकर सर से एक चीज जान लूं। सर अब चूंकि दो पॉइंट्स को लेकर, दो जगहों को लेकर तो समझौता हो गया, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स है वहां पर समझौते को लेकर क्या ये समझौते वो बेस बनेंगे जो आगे की बातचीत को तय करेंगे, या फिर भारत को यही नीति अपनानी चाहिए कि वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पर रहे और जब तक चीन आगे से पेशकश न करे गतिरोध को सुलझाने की, तब तक यथास्थिति को बनाए रखे? चंदन देखिए, अच्छा आपने सवाल उठाया, तो इसकी सीधी जवाब तो ये है कि सवाल ही नहीं है। आप अभी का सरकार या भारत सरकार का 1962 की जो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है उसमें आप स्टडी करिए, ये कोई बफर जोन वगैरह अभी ये 2020 के बाद शुरू हुआ है। तो ये हम आखिरी पॉइंट तक, यानी कि चाइना स्टडी ग्रुप जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, पीपी जिसको बोलते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से लेके 65 तक, अभी दिप्सांग की अगर बात करते हैं ये 10, 11, 11 अल्फा, 12 और 13, ये 5 पॉइंट तक हमारे पेट्रोल जैसे जा सकते हैं। इसी तरह ये जब से ये मुठभेड़ हुई है 2020 जून के महीने में, उसके बाद जो समझौता हुआ है, ये जो बफर जोन क्रिएट किए हैं, ये हमारे तरफ की इलाके के उसके ऊपर बफर जोन कर रखे हैं, तो उसका भी यही मुद्दा होगा कि हमारे पेट्रोल आखिरी पॉइंट तक, जो पीपी दे रखा है, जो चाइना स्टडी ग्रुप, वहां तक जैसे जा सकते हैं। बात वो नहीं है चंदन, अगर आपके पास समय है, मैं 1 मिनट टाइम देंगे, मैं समझाना चाहता हूँ। ये सर, ये जो पेट्रोलिंग आज शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारे प्रस्पेक्टिव है, लेकिन दो मेन प्रस्पेक्टिव क्या है, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, जब हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई 2020 अप्रैल से पहले जो स्थिति थी, जहां तक पेट्रोल हमारे जाते थे उनको अलाउ होना चाहिए। इसी तरह हमें यह भी समझना चाहिए, जब हमारे पेट्रोल जाएंगे 10, 11, 11 अल्फा, 12, 13 तक जाएंगे, चाइनीज भी बोलेंगे भाई हमारा उस समय पेट्रोल वहां तक जा रही थी, उसको भी जाना चाहिए। तो क्या हमारे हिंदुस्तानियों ने समझा है कि चाइना का पेट्रोल कहां तक आते थे? चाइना का पेट्रोल, जब दिप्सांग का आप उदाहरण लेते हैं, एक रोड बना है, ये 2019 को नवंबर दिसंबर को कमीशन हुआ है, उसी साल ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगस्त के महीने में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा हुआ था। रोड का नाम है डीएसडीबीओ रोड, दुर्बुक शोक डीबीओ दौलत बेगोल्दी रोड है, 256 किलोमीटर।
ये 2019 बहुत डिले होने के बाद ये जाके कंप्लीट हुआ। ये रोड का मीनिंग एक साधारण व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक मिलिट्री साइंस को जब आप अप्लाई करते हैं, इसी रोड के बिना, मेटल रोड के बिना जब हम जाते थे पहले, कम से कम 7 से 14 दिन समय लगता था कारू से चांगला, चांगला से तांगसे से दुर्गुक, कुछ रास्ता, काफी रास्ता पैदल जाते थे। बीच में रॉकी पैच आता था, इंडिया गेट, उसमें आप देख नहीं पाते, बहुत सारे गाड़ी नीचे गए। आज के दिन में आप इस रोड पे सुबह अगर बैठते हैं 6 बजे, आप शाम को 6 बजे तक, यानी कि आप 12 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो कौन सा दुश्मन अगर हिंदुस्तान चाइना के पास जाने की जगह होगा, वो भी उसका कान खड़े हो जाएंगे। आप रिएक्शन कैपेबिलिटी देखिए। पहले मैं एक बात और बता रहा हूं चंदन जी, आप सुन लीजिए मेरे बात, उसके बाद देखिएगा अगर कोई निचोड़ मिलता है। एक समय था ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में सिर्फ 2 ही कंपनी हुआ करते थे, ये जैक मिलिशिया होता था एक आपका डीबीओ के एरिया में, और एक कंपनी होती थी डेमचौक में। ये 2 कंपनी के 832 किलोमीटर का कवर करते थे। आज पता है आपको कितना है? 50,000 से ज्यादा, 60,000 के बराबर। एक कंपनी में नफरी 100-120 के करीब होते, 240 होते थे। तो वही चाइनीज। अच्छा, तीसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि 1962 की जब लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये जो 2 सेक्टर, एक ईस्टर्न सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा है वेस्टर्न सेक्टर जो कि ईस्टर्न लद्दाख है। ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज जहां तक आए थे वहीं अटक गए थे, लेकिन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में वो आ गए थे बहुत अंदर, वापिस चले गए। जो मैकमोन लाइन है, जब पहाड़ियों का जो रिज लाइन है, वहां से करीब करीब 20 किलोमीटर पीछे सोनाजोंग और वो वाला लाइन तक। तो ये जो स्थिति है, इसको आपको थोड़ा सा फैक्टरिंग करके अगर देखेंगे, आज के दिन में उनका एक नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं वेस्टर्न हाईवे G219, ये 18 से 125 किलोमीटर गैप पे, यानी कि DSDBO रोड जो मैं कह रहा हूं, इस गैप के इस अंतर, इसी डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। चाइना को डर यह है कि ये रोड की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न हाईवे, हमारा जो पीपी पॉइंट है ये बहुत करीब है, ये 10 से लेके 18 किलोमीटर दूरी, मतलब हमारा मीडियम आरटी, क्या फील्ड आरटी, मोटर अगर चले जाएंगे ये रोड को, हम कभी भी उसको चोक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है तो ये डर हमेशा रहता है। सो पेट्रोलिंग का जो सवाल है, अप्रैल 2020 से पहले चाइनीज पेट्रोल एक जगह का नाम है बुर्से, जहां पे हमारा ITBP कंपनी होती थी, ये यहां तक आते थे बड़े मुश्किल से। मैं वहां पे कमांडर रहा हूं, जीओ से रहा हूं, बहुत मुश्किल से इनको धकेल के 7-8 किलोमीटर बॉटल नेक के आगे, मतलब पूर्व की तरफ, चाइना की तरफ धकेल के रोकाया हमने। अगर वही पेट्रोल वो जीत करके यहां तक आएंगे तो हिंदुस्तान को कभी मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये DSDBO रोड हमारा लाइफ लाइन है डीबीओ के लिए। और उससे चाइना ये भी डरता है कि जिनजियांग प्रोविंस की तरह हिंदुस्तान कहीं हमला ना कर ले ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ। तो ये सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो बफर वाला जोन है, अगर नेक्स्ट राउंड में आते हैं, मैं इसका जवाब ये दूंगा सर, मैं आता हूं आपके पास और इस बफर जोन को लेकर ही मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं जरा सैफ खान से जान लूं कि जिस तरीके से अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने सैफ जी सीधे सीधे ये कहा कि ये कांग्रेस के समय ही था कि चीन जो है वो कुछ भी कर सकता था और भारत ही उसके पास बातचीत का निमंत्रण लेकर जाता था, ये बदले हुए भारत में चीन को अगर कोई हिमाकत कर रहा है तो उसे खुद आना होगा भारत से उस तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने गलत सूचना दी है। मैं अब आपको जो है एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स देता हूं। पहली चीज, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी, ये कहते हैं कि हम चाइना से कैसे लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी। ये ऑफिशियल बयान है हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर। जयशंकर जी ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, दूसरा बड़ा डायलॉग यूज करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि चाइना ने 1 इंच जमीन जो है हिंदुस्तान की नहीं ली। अब आ जाते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर। 19 जुलाई 2019 रिपोर्टेड बाय मैक्सार, जो कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती, उसने कहा चाइना अंडरग्राउंड फैसिलिटी 50 किलोमीटर अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर वो जो है कंफर्म कर रहा। ये उसने कहा। TITBT तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा है चाइना कंटिन्यू करता है कंस्ट्रक्शन अपने वॉच टावर्स की हॉट स्प्रिंग में और डेप्सिंग प्लेन्स में 18 किलोमीटर अंदर की तरफ जो।
और इसको कंफर्म किया गया है खुद चाइना की आर्मी, पब्लिक लिबर्टेरियन आर्मी ने, और जो कंफर्म किया है इस न्यूज को जो है टेलीग्राम के द्वारा। अगर मैं सूचना अगर आप पहुंचाना बताना चाहूं तो 1000 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 से जो है हम इन्वेड होते आ रहे हैं चाइना द्वारा। मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, एग्रीमेंट क्यों हो रहे हैं फिर जो है? अगर हमारी कोई चाइना इन्वेजन कर ही नहीं रहा है तो हम ये किस चीज के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, पहली चीज जो। और जो आप ये बोल रहे थे कि हिंदुस्तान का जो दे दिया 10,000 किलोमीटर, तो अभी 2014 के बाद जो है बांग्लादेश को मोदी जी ने गिफ्ट किया है, उसकी बात नहीं करेंगे ये जो। बात आते हैं कि आते हैं राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से। चंदन जी, जी मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो आप ये इन्वेजन की बात कर रहे हैं, ये इन्वेजन क्या हमारे देश में चाइना का इन्वेजन हुआ है या नहीं, अभी क्लियर कर देते बताइए अनुरोध जी, क्योंकि भारतीय जनता के प्रवक्ता है यहाँ पे जो बातें तो इधर करते। तो मैं किस ग्राउंड्स के ऊपर आप कहना चाह रहा हूं, मैं बीपीसी के आपको जो है फिर रिपोर्ट कंफर्म करना चाहूंगा, मेरे पास और साधन भी है जो कंफर्म करना चाहेंगे। मगर दिक्कत ये है कि आज ये जो एलओसी के ऊपर जो आप चाइना की मनवाने की बात है कि ये उसको मानेंगे एग्रीमेंट को, वो कितना ये चाइना उसको कितना जो है असलियत में एग्रीमेंट के तौर के ऊपर लेके चलेगा और कितना उसको जो है उसके उसके गाइडलाइंस के ऊपर चलेगा, सवाल ये भी उठता है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता वक्ता द्वारा है इनकी बातों की सिर्फ बात करना जानते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्या शहादत शहीद की, क्या आपने अभी तक जवानों को शहीद की कैटेगरी में डाला है? जब जवाब ले लेते हैं अनुज जी, अनुज जी जवाब दीजिए, जवानों को शहीद की कैटेगरी में नहीं डाला। एक बार जवाब ले लेते हैं सैफ खान जी, बहुत सारे आरोप आपने एक साथ लगा दिए, जवाब ले लेते हैं अनुरोध आपसे। शहीद की कैटेगरी में ठीक है जो है सीखिए, ठीक है, टाइम ओवर सर, टाइम ओवर आपका, एक बार जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के नेता पता नहीं पढ़ के आए हैं या राहुल गांधी जी की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ के आए वही बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पैनल में चार लोग बैठे, सबसे ज्यादा डिफेंस के एक्सपर्ट कौन है? जनरल साहब है, सुनिए, एक बार सुन लीजिए, मैं चुप रहूंगा, सुनता रहा। एनडीटीवी द्वारा जो सूचना दी हुई है, अरे सुन लो, दूसरी सूचना जो है ITBDT डिपेटियन मैं आपको मौका दूंगा, आप अपने पॉइंट्स रखिएगा। आपने जो तमाम आरोप लगाए उसको लेकर जवाब भी जरा सुन लीजिए। यही लोग होते हैं जो कि क्या कहते हैं कांग्रेस का सेल्फ गोल कराते रहते, वोट कम कराते रहते। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट कौन बैठा है? जो यहाँ पे जनरल सबसे बड़ा तो डिफेंस एक्सपर्ट कोई नहीं बैठा है। अभी आपको जवाब मिला ना जम्मू कश्मीर में, मिला ना जवाब जम्मू एंड कश्मीर में आपको, तो फिर जो है सैफ जी ऐसे नहीं होगा सैफ जी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया, ठीक है, आपको मैं समय दोबारा दूंगा सर। सैफ जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, सैफ खान जी ठीक है, सैफ खान जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, प्लीज चर्चा को डिरेल मत कीजिए, अनुरोध जी बोल लेते हैं, फिर आपको मैं मौका दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा, आप पॉइंट्स अगर आपको रिबटल करना है तो आप लिख लीजिए, लेकिन प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। मैं आ रहा हूं सर, सुधाकर सर आपके पास जी, अनुरोध जी यहाँ पे चार लोग बैठे हुए हैं, चार लोगों में सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट कौन है? ना मैं हूं, ना आप है, ना कांग्रेस के नेता है, इसमें जनरल साहब है। जनरल साहब की मैं, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं कि चाइना के जो आर्मी है, क्या नाम है, जो भी नाम इनको, चाइना के आर्मी पाकिस्तान के आर्मी का नाम ज्यादा याद रहता, भारत की आर्मी नहीं, आप 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 बता दीजिए क्या है, एक मिनट प्लीज सैफ जी मैं पूछ ले रहा हूँ, लेट मी मॉडरेट, मैं पूछ रहा हूँ, आप ही बता दीजिए क्या है चाइना की आर्मी का नाम? नहीं नहीं, मुझे चाइना के आर्मी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लोग चाइनीज जो पाकिस्तान के आर्मी का ज्यादा नाम याद करते हैं, क्योंकि जाते चाइना का भी जासूसी का भी करने वाली आदत डाल लोगों के। ठीक है, बोलिए अनुरोध जी, बोलिए जी। मेरा कहना ये है कि चाइना की आर्मी का बयान इनको बड़ा पसंद आता है, चाइना की आर्मी ने फलाना कह दिया। यहाँ पे बैठे हुए हैं जनरल साहब,
इंडियन आर्मी के अंदर 50 साल जॉब करके आए हुए हैं, उनके बयान का कोई महत्व नहीं। अगर इंडियन आर्मी का स्पोक्स पर्सन कुछ बोलता है तो उसके बयान का कोई महत्व नहीं। ये लोग बैठ के उनसे प्रूफ मांगते, मैं तो कह रहा हूं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंडियन आर्मी का एक्स सीनियर ऑफिसर यहां पे इनको एक्सपोज कर दिया है कि भाई की आपकी स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। इसमें किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं, ना मैं एक्सपर्ट हूं ना आप है ना कुछ है। ये चाइना के आर्मी ने क्या, इंडियन आर्मी ने बार बार कहा ना कि हमने वहां पे घुसे, वो चाइना रो रहा वहां पे बैठ के। भारत की आर्मी इतनी कमजोर है आज के समय में, भारत की आर्मी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां पे क्या कहते हैं जो कमांडर होगा उसे दिल्ली में पूछना पड़ना कि साहब हम चाइना वाले के मारे। उनको कहा गया कि जैसे कर पाओ वैसे करते रहो। आप बार बार इन लोगों का एक्सपोज में यही होता है कि चाइना की आर्मी ने कहा फलानी कंपनी, ना ये इसरो पे बिलीव करेंगे, ना ये इंडियन आर्मी की स्पोक्स पर्सन पे बिलीव करेंगे, ना इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पे बिलीव करेंगे चाइना को। अरे अस्थाई चिन्ह किसने दिया था? आप ही के पार्टी के सांसद थे महावीर त्यागी, पार्लियामेंट फ्लोर पे बोले। नेहरू जी ने कहा अरे अक्साई चीन चला गया वहां तो कुछ उठता नहीं, उन्होंने कहा नेहरू जी आपके सर पे बाल नहीं, क्या उठा के आप वो भी दे देंगे चाइना को। आप डिस्क्रिमिनेशन, आप पॉलिटिक्स, आप डेवलपमेंट किए नहीं। बिल्कुल सही बात है, अगर बॉर्डर एरिया पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे रोड्स बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे वहां पे, तो जाहिर सी बात चाइना एक पड़ोसी देश है, उसके दिमाग में होगा कि भाई इतनी अच्छी रोडें बन गई, जहां हम अभी जनरल साहब भी कह रहे थे 14 दिन में जाते थे, वहां हम 7 घंटे पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनको प्रॉब्लम होगी होगी। और वो पहले का जमाना था कि वो लोग रिटेलिएट नहीं करते थे, बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर घुस के चले आए चले आए चले गए, तो उनको लगता था भाई इसे चलता रहता था, क्योंकि ये लोग जाते थे वहां गुपचुप समझौता कांग्रेस पार्टी करती थी और जाके बता देखो टेंशन मत लेना हम समझौता कर रहे हैं, केवल दिखाने के लिए वहां लोगों को बताएंगे चाइना ये हिंदी चीनी भाई भाई आप ही लोग करते थे। देखिए पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित में जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार है वो और इंडियन आर्मी को जो भी राष्ट्रहित में लगेगा वो करता रहेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे और आप फिर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों सवाल उठाते हैं बार बार कि चीन जो है वो अंदर घुस चुका है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे ये इनके सवाल का कोई वजूद है जो अक्साई चीन उठा के दे दिए, जो भारत के दो टुकड़े करा दिए? कांग्रेस वाले नहीं, बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट वो, सॉरी ये बहुत बड़े स्वामी के वो आप ही के पार्टी में है ना सुब्रमण्यम स्वामी? अभी देखिए फॉरेन पॉलिसीज के अंदर ये लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर भारत में जम्मू कश्मीर में हमला कर चुका था पाकिस्तान, तो कम से कम पूर्वी पाकिस्तान उस टाइम जो आज का बांग्लादेश है उसके ऊपर आप कब्जा कर लेते? अगर आपका पूर्वी पाकिस्तान में बोलते 90,000 सैनिक थे, तो कम से कम अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए होते तो कम से कम आप जो जहां पे गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था या जहां गुरु नानक साहब का निर्वाण, कम से कम वही जगह ले लेते। आप कुछ नेगोशिएट करते क्या? ठीक है, आप वो काम में है जो काम हो रहा है, उसमें हाथ डाले कि बहुत बड़ा काम कर लिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं जरा अब यथास्थिति समझ लेता हूँ। ठीक है अनुरुद्ध जी, यथास्थिति को समझ लेते हैं सुधाकर जी से ही, ये तो उन तमाम पॉइंट्स पर सर्व भी कर चुके हैं। सुधाकर सर, एक तो ये जो कांग्रेस का बार बार कहना है और पूरा विपक्ष इस नैरेटिव को जो वो बिल्ड करता हुआ नजर आया बीते कुछ सालों में कि चीन ने जो है वो अंदर आकर हमारे क्षेत्र में कब्जा किया और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो वो होती है, बातचीत होती है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच 4 साल बाद, इसको आप कैसे देखते हो? और दूसरा एक बफर पॉइंट्स को लेकर जो आप अपनी बात कह रहे थे उसको भी आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। गुड चंदन, थैंक यू। लेकिन ये एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूं। नहीं, मैं चूंकि आप वहां सर्व कर चुके हैं सर, इसलिए मैं आप यथास्थिति को ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे सैफ खान या फिर अनिरुद्ध जी से। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज आता है ये तो आरएसएस का है, ये तो बीजेपी, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है वो है नेशनल इंटरेस्ट, हिंदुस्तान की इंटरेस्ट। मैं जो कहूंगा देश के हित के लिए कहूंगा, इसलिए मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। नंबर एक मैं कहना चाहता हूँ, जो पहले वाला जो व्याख्या में कहना चाह रहा था वो है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री साहब की जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेमवर्क कि डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये एक अहम एक उदाहरण है, एक प्रतीक है कि ये जीत की एक संकेत है पूरा विश्व के सामने। पेशेंस, पेशेंस की धैर्य की वजह से ये हमारा जीत है, नंबर एक। नंबर दो, आपका वो बफर के बारे में कहने से पहले मैं कहना चाहता हूं, नंबर दो, चाइना को ये एहसास हो गया है 62 की लड़ाई के बाद, जितना इसने नोटों की किया है बॉर्डर के साथ, कहीं पे भी हो
चाहे नाथुला की बात करिए, चोला की बात करिए, मैं तवांग में रह चुका हूँ, नौकरी किया हूँ, लेक्चर देता हूँ IIT और IIM में, विदेश में जाके भी ऑन इन्विटेशन लेक्चर दे के आता हूँ, PhD कर रहा हूँ अभी बच्चों को उत्साह करने के लिए, और इस तरफ ईस्टर्न लद्दाख, मिडिल सेक्टर, कहीं पे भी कोई भी नौटंकी किया है, इंडियन आर्मी हैज स्टूड अप। ये सिर्फ विश्व में एक ही आर्मी, शायद वियतनाम लड़ाई के बाद ये एक अहम एक मिसाल है जहां पे हमारा फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उनको ऐसा जवाब दिया है जब ईस्टर्न लद्दाख में 2013 की बात करिए, 14 की बात करिए, 15 की बात करिए, जब भी वो घुसपैठ करने की कोशिश किए हैं, चाइनीज PLA, मैं खुद ही उनके कमांडर से बात किया हूं, सवाल उनके मन की ये बात है, दिल की बात, कि भैया ये हिंदुस्तान ने मौसम खराब होने के बावजूद, रास्ता ना होने के बावजूद 72 घंटे में आपने इतने सारे ट्रूप्स कहां से लिया है, मेरे से बात किए हैं कमांडर्स, मैं बता रहा हूं, ये है हिंदुस्तान की, नई हिंदुस्तान की एक काबिलियत। इससे बाद आप आ जाइए बफर के बारे में, बफर का ये कहूंगा मैं कि ये जिस तरफ देपसांग ये नई चीज नहीं है, ये 2013 को हुआ था, उससे पहले भी घुसपैठ किए थे, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह बता देना चाहता था कि ये 88 राजीव गांधी जाने के बाद चाइना में जब बातचीत चली, 1993 को पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था, हमारे लेट नरसिम्हा राव साहब जाके साइन करके आगे आए थे, उसको बोलते BPTA, ये बॉर्डर पर्सनल जो पीस एंड ट्रैक्विलिटी वाला एग्रीमेंट है, उसका अहम केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेटस को, नाइदर साइड विल चेंज द स्टेटस को, ओके। उसके बाद 96 को एक एग्रीमेंट हुआ CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बाद लेकिन 93 को जब साइन हुआ था वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वही LAC जो चाउनलाइन ने 60s में प्रपोजल लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका रैशनल और लॉजिक को मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उनके समय में सोच विचार के मुताबिक वो सही डिसीशन लिए होंगे, वही हमारे प्रधानमंत्री साहब उस LAC को उन्होंने डिस्काउंट किया था, माने नहीं थे, इनकार कर दिया था, वही 93 के एग्रीमेंट में वही LAC को हमने एक्सेप्ट किया है, कोई हिंदुस्तानी ने उसका उंगली उठाया, कोई सवाल पूछा है, तो इसका मतलब गौर से गहराई में कोई ये नहीं है। फिर 96 में CBM हुआ, 2005 को एक जबरदस्त एग्रीमेंट हुआ, और 2012 और 13 को हुआ है, इसके बीच में 96 में चाइना स्टडी ग्रुप ने ये सारे पॉइंट्स दिए 1 से लेकर 65 तक, PP पॉइंट। मैं कह नहीं सकता हूं जब कोई स्टडी ग्रुप देश का पॉइंट्स दे रहे हैं जहां तक हमारा पेट्रोल जा सकते हैं, मैं ये यकीनन यही सोचूंगा कि जो हमारा पड़ोसी जो शत्रु है उनके साथ बातचीत करके म्यूचुअली कंसेंसस या एक्सेप्टेड करके तब जाके ये इशू किया होगा। लेकिन 98-99 में जब ये कारगिल वाला का बादल छाने लगे और कारगिल लड़ाई जब शुरू हुई, ट्रूप डेंसिटी जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था उसको हमने विड्रॉ करना पड़ा। ये जब विड्रॉ करना पड़ा 832 किलोमीटर का स्ट्रेच में, इस समय का फायदा उठाते हुए चाइनीज अंदर घुस आए थे, परसीव्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदुस्तान का जो PPs लगे हुए थे उसको पार करके हमारे तरफ जगह जगह अंदर घुस आए थे। ये क्यों आए थे और मुठभेड़ कब हुआ? कारगिल लड़ाई के बाद मुठभेड़ ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि ट्रूप डेंसिटी हमारा बढ़ गया। पहले 2 कंपनी होते थे, 2 कंपनी के जगह आज देखिए आपके 50 से 60 हजार, यानी कि एक डिवीजन में 15 हजार के करीब नफरी होते हैं, 4 डिवीजन एक कोर से ज्यादा है। तो जहां पे 15 जवान उनके आते थे, मुश्किल से 15 या 20 जवान पहले मिलते थे, उस जगह 15-20 के जगह वो 150-200 जवान सामने आ रहे हैं। तब ऐसा कोई डेंसिटी होता है ऑब्वियसली, और फिस्कप और ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेट एग्रीमेंट के बावजूद ये सारी चीजें हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ देपसा में जिस तरफ अभी आप पेट्रोलिंग करना ये अभी अपना की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह आपका डेमचोक में सेंसिटिविटी वहां पे भी एक है, वो G695 रोड बनाने जा रहे हैं 2030 तक। ये एक ऐसा हाईवे है जितने डिस्प्यूटेड एरियाज को है वो नजदीक हिंदुस्तान की तरफ बनाना कोशिश कर रहे हैं, वहां पे वो डेप्थ देने के चक्कर में चार्जिंग ला एक पास है, वो पास हमारा PP है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट, उस पास को पार करके एक नीलुंग ला एक नाला है, दोनों नाला मिलके जाके इंडस नदी के साथ मिलते हैं कुछ देर दूर के बाद, और ये नाला को पार करके वो 2014 में घुस आए थे, उसके बाद नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद वापस गए। वो बार बार क्यों आ रहे हैं? अगर बार बार आ रहे हैं, हमारा अभी जो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो रहा है ऐसा इनबिल्ट एक पॉलिसी होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, वो बार बार आने वाले समय में नहीं आना चाहिए। अगर आएंगे तो उसको रोकथाम के लिए क्या
हमें स्टेप लेना चाहिए वो होना निहायत आवश्यक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बफर, बफर जोन जो आप कहते हैं, आप पेंगोंग सो नॉर्थ, पेंगोंग सो साउथ, आप गोगरा की बात करिए, आप पीपी 15 की बात करिए और 17 की बात करिए, ये जो पांच जगह हैं, ये जो बफर जोन क्रिएट किया गया है, मैं सिर्फ पेंगोंग सो का उदाहरण लेके बता रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। पेंगोंग सो का दो बैंक है, एक साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक, 2/3 ये चाइना के पास है, 1/3 हिंदुस्तान की तरफ है। ये जब कारगिल लड़ाई के टाइम में ये कोई रास्ता नहीं होता था, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, उन्होंने ट्रूप्स की एब्सेंस की वजह से उन्होंने फायदा उठाते हुए बुलडोजर और उनका जेसीबी ला के रोड बना दिए नॉर्थ बैंक की तरफ। जो ये जो डिस्टेंस है उसका, जो जो फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक, इस डिस्टेंस को वो 12 मिनट में कवर करते हैं। हमारा ट्रूप्स वो फिंगर 3 के पास अभी पीछे की तरह आ गए हैं, 2 के पास, वहां से जब मूवमेंट करते हैं उनको करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट टाइम लगता है। जब तक उनके ट्रूप्स फिंगर 4 तक आके पहुंच जाते हैं, हमारे ट्रूप्स जो है बड़े मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं। तो रेस्पॉन्स मैट्रिक्स जो है मिसमैच कर रहा है। तो यहीं पे अपना पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं चंदन जी, मोबिलाइजेशन डिफरेंशियल लोकेशन ऑफ ट्रूप्स से नहीं होना चाहिए, रेस्पॉन्स मैट्रिक्स, जितने टाइम में वो आ पाएंगे हमारे उतने टाइम में वहां भी हम पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए जो है तमाम जो सीमा के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें कनेक्टिविटी पर विशेष तौर पर जो है वो जोर दिया गया है। लेकिन सैफ खान, आप तो इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और आपने सुना किस तरीके से बड़े विस्तार से सुधाकर जी ने यथास्थिति जो है उसको समझाया। ऐसे में कमोवेश आप ये तो मानेंगे कि बीते सालों में जिस तरीके से, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बताइए। सबसे पहली चीज, हमारे सुधाकर जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो किसी पार्टी से नहीं, उन्होंने जो एक्चुअल एज एन आर्मी आर्मी मैन जो हुआ है उसको दर्शाया। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 के बाद इन्वेजन हुई है, मगर हमारे प्रधानमंत्री तो कहते एक एक इंच का इन्वेजन नहीं हुआ है। तो यानी सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, फिर उसके बाद जो है हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि जो है हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं। तो ऐसी संदेश सबसे पहले जो है चाइना को नहीं देने चाहिए, ये सीख सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के जो विदेश मंत्री उनको सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश जब भी उस पर अटैक होने के लिए हुआ या जब भी इन्वेजन हुई, हमने मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया है और देता रहेगा, हमेशा से दिया है और हर कंट्री को दिया जिसने कोशिश की हमारे देश के ऊपर इन्वेज करने की, यानी घुसपैठ करने की, जो है उसको हमारे देश ने जवाब दिया है। मगर आज जो ये बात हो रही है, सबसे पहले तो हमारे सुधाकर जी ने ये क्लियर कर दिया कि ठीक है जी, इन्वेजन हुआ है जी, उसको मजबूत करने के लिए आगे फर्दर स्टेप्स क्या लेने चाहिए। ठीक है, जो पहले आर्मी कम थी तो आज बढ़ा दी गई है, तो अच्छी बात है, उसको बढ़ाना चाहिए, थोड़ी कमी है क्योंकि हमारे देश की जो सीमा है उसको, सीमाओं पे जितने भी बल, और यही नहीं, हम अगर हिमाचल की भी बात करें कि हिमाचल की तरफ से भी जो है, और उत्तराखंड की अगर हम खासकर की बात करते हैं तो उत्तराखंड की तरफ से भी इन्वेजन बहुत हुआ है। अगर हम चीनियों की बात करें या अगर ये अपने मैपों की बात करते हैं उसमें, तो बहुत सारे ऐसी एरियाज इन्होंने जो है बना रखे हैं अपने मैपों पे जिनमें इनकी कोशिश है कि ये जो है चाइना के अंडर आए, और हम हमेशा से ही चाइना को, चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनको उनका मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सैफ खान जी, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और भारत की सेना अपने शौर्य और पराक्रम से हर बार ये दर्शाती भी है कि आखिर दुश्मन कितनी भी हिमाकत कर ले, भारत की सेना के आगे वो टिकेगा नहीं। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ जी आपका, अनुज जी आपका और सुधाकर सर आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से जो है चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर लबोलुआब ये आप निकाल सकते हैं कि जहां आज दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता